ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ह्यूमन कैपिटल मीन्स होता है ह्यूमंस की स्किल्स और एबिलिटीज, और इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स होता है कंट्री की रियल नेशनल इनकम इंक्रीज होना। और ऐसा कब होता है? जब कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। Now we have more goods to consume. ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? एक एजुकेटेड पर्सन की स्किल्स, एक्सपर्टीज, एबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू एन इलिटरेट पर्सन, जिससे वो बेस्ट और हाई प्रोडक्शन कर पाता है, विच इम्प्लाइज इकोनॉमिक ग्रोथ। सिमिलरली हेल्दी पीपल कंटिन्यूस लेबर सप्लाई प्रोवाइड कर पाते हैं, जिससे उनका कंट्रीब्यूशन हाई होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। इन कंट्रास्ट टू एन अनहेल्दी पर्सन जो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाता है, रिजल्टिंग इन लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड दिस इज अ लॉस ऑफ मैन पावर। नाउ वी कैन कंक्लूड, एक पर्सन के पास अगर बेस्ट एजुकेशन और गुड हेल्थ है तो उसकी इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी ज्यादा हाई होगी। रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फर्स्ट, इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से कैसे रिलेटेड है? ह्यूमन मींस अपने हार्ड और इंटेलिजेंट वर्क से फिजिकल कैपिटल फॉर्म करते हैं, जिससे अपन प्रोडक्शन करके कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिजिकल कैपिटल का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ह्यूमन कैपिटल पर डिपेंड करता है। अगर ह्यूमन कैपिटल के पास बेस्ट स्किल्स है तो वो इससे हाई प्रोडक्शन कर पाएंगे, और अगर स्किल्स कम है तो नो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सो लो प्रोडक्शन। सेकेंड, हाई प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ने से मीन्स ह्यूमंस की स्किल्स और एबिलिटीज इंक्रीज होने से प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों इंक्रीज होते हैं। ये स्किल्स और नॉलेज कहाँ से आती हैं? एजुकेशन और ट्रेनिंग के थ्रू। इसके साथ साथ गुड हेल्थ भी जरूरी है। थर्ड, इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से डायरेक्टली ह्यूमंस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, जिससे अब वो न्यूट्रिटिव फूड अफोर्ड कर पाते हैं और हेल्थ फैसिलिटीज भी ले पाते हैं और लॉन्गर लाइफ जी पाते हैं। फोर्थ, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। एजुकेटेड पर्सन अवेयर होते हैं, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को समझते हैं और अपनी फैमिलीज छोटी रखते हैं एज कंपेयर्ड टू लिटरेट पर्सन। नाउ कमेंट आउट द आंसर्स ऑफ द एमसीक्यू। Thank you for watching the video. Like, share and subscribe.